साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी आपको बताते हैं, राशियों के अनुसार बात करते हैं आपके दिन की और उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को सफल बनाएं। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है ये भी आचार्य जी से जानेंगे। तो इसके अलावा आज हम बात करेंगे शकुन अपशकुन की भी, बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से आज हम जानेंगे कि बालों को ये झड़ने से रोकने के उपाय मंत्र क्या है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के उपयोगी पंचांग की। आचार्य जी, आज 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र पुष्य, चंद्रमा कर्क राशि का भोग करेगा। राहु काल सुबह 10:53 से 12:26 तक, इस बीच नया कार्य प्रारंभ बिल्कुल मत करिए। पश्चिम दिशा का आज दिशाशूल है, घर से निकलते समय दही अवश्य खाएं। रुद्राभिषेक बिल्कुल मत कराइएगा, आज भगवान शिव सभा में रहेंगे। तो आचार्य जी, आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि उपयोगी पंचांग तो आपने बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा। आज हम बात करेंगे कुंडली में नाड़ी दोष की। मैं बताऊंगा नाड़ी दोष होने पर शादी क्यों नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही नाड़ी दोष के निवारण के उपाय भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम खास जानकारियां लें आचार्य जी से, लेकिन उसके पहले बात आपके दिन की कर लेते हैं। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली तीन राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, राशि से सुख के भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कार्य निश्चित रूप से संपादित कराएगा और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित करेगा। जल्दबाजी में भूमि का सौदा बिल्कुल मत करिएगा। आज गरीबों में सफेद अन्न का दान करके दिन के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, परिवार में सुखद स्थिति को बनाए रखने के लिए आज आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। धन के लिए किया गया प्रयास व्यर्थ भी हो सकता है। अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से आज आपको बचना होगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनु राशि, आज आपको प्रमोशन से संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है और धन से संबंधित जो लंबित कार्य है वह भी निश्चित ही सफल होगा। आज घर के आवश्यक कार्य को टालिएगा बिल्कुल नहीं। गरीबों में मीठा बांटिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में नाड़ी दोष की, तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर कुंडली में नाड़ी दोष होता क्या है। नाड़ी दोष अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंधों के लिए अपितु हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक एवं सृजनात्मक चीजों के लिए बेहद आवश्यक है। सनातन धर्म में विवाह दो शरीर को एक आत्मा में जोड़ने का अद्भुत संस्कार है। इतने परम पवित्र संस्कार को सफल बनाने हेतु हमारे मनुष्यों ने दोनों ही अर्थात वर एवं कन्या के जन्म के ग्रह स्थिति के संबंध में समन्वय पर विशेष ध्यान दिया है, जिसे आप कुंडली के मेलापक के नाम से जानते हैं। देखिए,
यद्यपि कुंडली मिलान के कई मापदंड हैं, जैसे वर्ण मिलाया जाता है, वस्य मिलाया जाता है, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भुकुट और नाड़ी। लेकिन आज का हमारा विषय नाड़ी दोष का है, अतः हम सिर्फ नाड़ी दोष पर बात करेंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि नाड़ी किसे कहते हैं। देखिए दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, प्रथम को वात, दूसरे को पित्त और तीसरे को कफ कहा जाता है। अर्थात शरीर में इन तीनों के संतुलन से ही अच्छा स्वास्थ्य रहता है और असंतुलन से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति का मूल ही नाड़ी को ही लिया जाता है। भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के समूह में नौनों नक्षत्र को आदि, मध्य और अंत नाड़ी को निरूपित करते हैं। आदि नाड़ी जहां वायु तत्व को प्रदर्शित करती है, वहीं मध्य नाड़ी आपके पित्त प्रकृति को तथा अंत नाड़ी आपके कफ प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जब बालक एवं कन्या के जन्मांग में एक ही नाड़ी होती है तो विवाह मिलापक में उसे 0 अंक दिया जाता है और इस प्रकार के विवाह को पूर्ण रूप से वर्जित कहा जाता है। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर से। श्वेता इस समय फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्वेता जी, आपका डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1998 और जन्म का समय है रात में 10:35। 10:25 और जन्म का स्थान क्या है? 35 मिनट। जन्म का स्थान क्या है श्वेता जी? कानपुर। क्या जानना चाहती हैं, सवाल पूछिए अपना। हम ये जानना चाहते हैं कि हम 2 साल से SSC सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक मिलेगी नौकरी और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता इसके विषय में। ठीक है आचार्य जी, सरकारी नौकरी की तैयारी करें श्वेता जी, कब के योग हैं और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्या कहते हैं? देखो बिटिया श्वेता, आपका जन्म है मिथुन लग्न में और जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, तो अभी आपके भाग्योदय का समय बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। आपको नौकरी पहले यह जान लीजिए कि 6 अप्रैल 2024 के बाद मिलेगी, एक बात तो यह नोट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप यह ध्यान रखिएगा कि इसमें रोगी कुंडली नहीं है। हाँ ये जरूर है, आपकी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल अनियमित है, अनुशासन की कमी कही जाएगी। नौकरी के लिए और अच्छे स्वास्थ्य को के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रतिदिन ओम बुं बुद्ध देवाय नमः, अर्थात भगवान बुद्ध की उपासना करनी चाहिए। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम बुं बुद्ध देवाय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करिए। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में और नौकरी में अच्छी प्रगति प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ यदि बुधवार को हरा चारा गाय को खिला सके तो और भी भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। तो श्वेता जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे कार्यक्रम में हम आचार्य जी से नाड़ी दोष की और भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राशिफल की। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, नौकरी के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होता हुआ दिखाई देता है और व्यवसाय में भी अपेक्षा के अनुरूप आज लाभ मिलेगा, साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज के दिन जोखिम भरा कोई काम न करिएगा और गरीबों में धन का दान दिन के सभी मनोरथ आपके सिद्ध करेगा। आज आपके सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपको बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा और करियर के क्षेत्र में प्रगति का भी बड़ा ही सुखद संकेत प्राप्त हो रहा है।
आज किसी को उधार पैसा देने से बचिएगा, नहीं तो वापसी नहीं होगी। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का 11 माला या 11 बार जप करके घर से निकलिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। मीन राशि, आज आपकी राशि से दशम चंद्रमा का गोचर रहेगा और यह आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता प्रदान कराएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में कोई कार्य न करिएगा और आज गरीबों को धन का दान देकर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने कुंडली में नाड़ी दोष की तो बातें बताई, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नाड़ी दोष से आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ सकता है? जब पति पत्नी की नाड़ी एक होती है तो होने वाली संतान के अंदर भी उस नाड़ी के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले तत्व की अधिकता सर्वाधिक हो जाती है और संतान निश्चित रूप से अस्वस्थ होती है या अल्पायु होती है। यहाँ तक कि गर्भधारण में भी बेहद समस्या का सामना करना पड़ सकता है और लंबे उपचार के बाद यदि गर्भ की स्थिति बनती भी है तो गर्भपात की संभावना भी बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए कि यदि पति की नाड़ी आधी हो और पत्नी की नाड़ी भी आधी हो तो बड़े उपचार के बाद यदि संतान गर्भ में आए तो उसके होने के बाद उसके शरीर में वायु तत्वों की प्रधानता आवश्यकता से अधिक होगी, जिसके कारण वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल अथवा विकलांग हो सकता है। तो नाड़ी दोष से होने वाली समस्याएं तो आपने जान ली, लेकिन आचार्य जी से आगे हम नाड़ी दोष के उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की करते हैं, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? जी वृषभ राशि, आज के दिन भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, लेकिन भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। आज घर की महिलाओं को किसी प्रकार कष्ट बिल्कुल मत दीजिएगा। आज के दिन अपने माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लीजिए, दिन के सभी कार्य संपादित होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कन्या राशि, लाभ के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक प्रगति के लिए किए गए सभी प्रयास सफल बनाएगा। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी आज बिल्कुल मत करिएगा। गाय के दूध से खीर बनाकर महालक्ष्मी का भोग लगाइए और दिन बेहतर सिद्ध होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, साझेदारी के व्यवसाय में लाभ की स्थिति आज बनती हुई दिख रही है और जीवन साथी या लवमेट के सहयोग से कोई बड़ा कार्य हो सकता है, यह बड़ा स्पष्ट संकेत है। बिना सोचे निवेश आज बिल्कुल मत करिएगा। गरीबों में अन्न का दान करिए, दिन बेहद सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आप नाड़ी दोष के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर किसी दंपत्ति के पति पत्नी के जीवन में अगर उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है तो उन्हें क्या करने चाहिए? देखिए दर्शकों, यदि किसी के भी पति पत्नी के नाड़ी दोष है तो उसे क्या करना चाहिए जिससे न केवल उनके आपसी प्रेम संबंध बने रहें अपितु उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान परेशानी का कारण न बने, अर्थात बीमार न रहें, अल्पायु न रहें, गर्भनाश की स्थिति न बने। तो सबसे पहले चूंकि यह तत्वगत दोष है, जैसे वायु तत्व का दोष हो, पित्त का हो या कफ का हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि नाड़ी दोष की स्थिति बनती है तो वंश गोपाल मंत्र, ध्यान रखिएगा वंश गोपाल मंत्र क्या है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण
त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का पति और पत्नी नियमित रूप से एक माला जप करें, और जब कभी भी संतान की प्लानिंग करनी हो तो इस मंत्र का निश्चित संख्या में कुंडली के अनुसार जप कराएं। दूसरा, संतान और आरोग्यता दोनों का मूल कारक सूर्य और बृहस्पति दोनों को समान रूप से लिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों को बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को ही प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रहते हुए एक दूसरे से गांठ जोड़कर पीले वस्तु का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। चावल पीला करके, या पीला वस्त्र हो या पीला फल हो, नियमित रूप से आप करिए, बहुत हद तक बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष समाप्त हो जाता है। और सूर्य के द्वारा जो उत्पन्न दोष है उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना है, यह सुनिश्चित करना है कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान न होने पाए, उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करिए। जितनी सेवा हो सके उतनी उनकी सेवा करिए, और प्रतिदिन आप स्वयं सूर्य को दंपति सहित जल दीजिए। दोनों ही लोग निश्चित रूप से नियम पूर्वक जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, इससे नाड़ी दोष बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम तीन राशियों की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है। मिथुन राशि, आज आपको रुका हुआ धन मिलेगा और संतान के प्रगति से परिवार में आनंद व्याप्त होगा। तेज वाहन आज बिल्कुल मत चलाइएगा। गरीबों में अन्न के दान से दिन के सभी कार्य निश्चित रूप से संपन्न होंगे। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का मीटर 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज पूरा होगा और संतान की प्रगति से घर में सुखद माहौल भी बनेगा। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, रोग व शत्रु के घर का चंद्रमा कार्य में अवरोध पैदा कर सकता है, इसलिए आज किसी नए कार्य को प्रारंभ करने से बचिएगा। अनियमित दिनचर्या आपको बीमार कर सकती है। आज मीठी वस्तु का दान करके दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। तो आगे बात आपकी सेहत की करते हुए योगिनी सोनम से हम जानेंगे बाल झड़ने से रोकने वाले योग मंत्र क्या हैं, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है, जान लेते हैं ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज का जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 4 है, जिसका नेतृत्व राहु नामक छाया ग्रह करता है। राहु को हालांकि पापग्रह की श्रेणी में लिया जाता है, लेकिन इस कलयुग में सभी असंभव कार्य को संभव बनाने वाला ग्रह भी छाया ग्रह राहु ही है। राहु निश्चित रूप से आपके अंदर अदम्य साहस और पराक्रम पैदा करता है। 31 मार्च का जन्म होने के कारण आपके ऊपर बृहस्पति और सूर्य की भी कृपा निश्चित रूप से पूरे वर्ष बनी रहेगी, जिसके कारण न केवल आपके मनोरथ सिद्ध होंगे अपितु नवंबर माह को छोड़ दीजिए तो बाकी शेष माह में आप न केवल आर्थिक प्रगति करने में सफल होंगे अपितु लंबे समय से लंबित कार्य भी आपके संपादित होंगे। वर्ष 2023 में आपकी कठिन कार्य भी संपन्न होंगे। नौकरी के क्षेत्र में प्रगति तो मिलेगी ही, इच्छा के अनुरूप परिवर्तन भी होगा। विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त करेंगे और इस वर्ष को और सौभाग्यशाली बनाने के लिए निश्चित रूप से आपको नियम पूर्वक ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करना।
और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। योगिनी सोनम से हम जान लेते हैं बाल झड़ने से रोकने के लिए आखिर कौन से हैं योग मंत्र। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बाल झड़ने के बारे में बात करेंगे। अक्सर देखा गया है अधिक तनाव, नींद पूरी ना होना या फिर असंतुलित खान पान बाल झड़ने के कुछ मुख्य कारणों में से है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके तनाव के स्तर में कमी लेकर आएंगे, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बालों को पोषण मिलेगा और आपके बालों के झड़ने में कमी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए आप अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कर लें और अपनी कोहनियों को इस तरह पकड़ लें और अपने दोनों कोहनियों को सर के ऊपरी भाग में रख दें। आप अपने दोनों पंजों को मोड़ लें, सांस लेते हुए अपने कमर के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें और अपनी गर्दन को पीछे और नीचे की तरफ लेकर जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर दें। आपकी क्षमता अनुसार या कम से कम 10 से 15 सेकंड इसी आसना में बने रहें। आपको कम से कम 3 से 4 बार इस आसना को दोहराना है। सहारा लेते हुए वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। ध्यान रहे, आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचना है और आपसे बन पाए तो आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ना नहीं है। योगी मुद्रा, सीधे बैठ जाएं। आप एक एक करके इस तरह पद्मासन लगा लें। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस कर लें और अपने हाथों की दो उंगलियों से अपने पैरों के अंगूठे को इस तरह पकड़ लें। सांस लेते हुए अपने शरीर को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अगर आपसे बन पाए तो अपने चिन्ह को जमीन से टच कर दें। कम से कम 10 या 15 सेकंड इसी आसना में बने रहें या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसना में बने रहें। ध्यान रखें, आपको सांसों को रोकना नहीं है और सांस लेते हुए वापस अपने शरीर को सीधा कर लें, अपने अंगूठे को छोड़ें और आप अपना पद्मासना इस तरह खोल दें और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना इस आसना को 3 से 4 बार दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके बालों के झड़ने की समस्या को काफी हद तक कम करेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं आज के खास विषय की। आचार्य जी, आज हम बात करें शकुन अपशकुन की, तो शकुन अपशकुन में आज क्या है खास? जी देखिए, आज शकुन अपशकुन में हम लोग क्या बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है। यदि आपके घर में रखे हुए नमकीन में काली चींटी दिख जाए तो इसका तात्पर्य है कि आप थोड़ा संकट में पड़ सकते हैं। और यदि चींटी फर्श पर या दीवार पर गोला बनाकर चलती हुई या एक लाइन में चल रही हो तो यही शुभ सूचना भी प्रदान करता है। अर्थात जिस कार्य के विषय में आप सोच रहे हैं, निश्चित रूप से उसके होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और आइए अब बात कर लेते हैं आचार्य जी उस महामंत्र और उस महा उपाय की जिससे हमारे दर्शक अपने दिन को सफल बना सकते हैं। तो आज का महा उपाय क्या है? देखिए दर्शकों, यदि आप आर्थिक रूप से किसी भी कारण से समस्याग्रस्त हैं, चाहे धन की बचत न हो पा रही हो या धन कमा न पा रहे हो, तो इस दिव्य प्रयोग को करके देखिए। क्या करना है आपको? शुक्रवार के दिन सायंकाल गोधूल बेला में माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाइए और ओम श्रीं विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का 11 माला जप करिए और आरती करिए। आरती करते समय 2 हरी इलायची उसी कपूर में डाल दीजिए। निश्चित रूप से आपके आर्थिक संकट माता लक्ष्मी दूर करें। तो कैसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं ये तो आचार्य जी से हमने जान लिया है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।